आपकी बहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है जब आपकी खुद की सास यहाँ मौजूद है। मेरी जी रही आपकी सासुमा श्रीमती कमला देवी। दादी मम्मी आपके बच्चे की मम्मी। अरे बाल तो कलर करवा लिए लेकिन अकल ठीक नहीं करवाई। पैरी पना सासुमा की सासुमा। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सब मैं क्या सुन रही हूँ क्या सुन रही हूँ मैं है? देख जैसी करनी वैसी भरनी। जो तूने मेरे साथ किया ना वही तेरी बहू तेरे साथ कर रही है। जैसे तूने मेरे बेटे के पैसे खर्च करिए तेरी बहू वैसी ही मिली है तुझे। तेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही है वो। लेकिन वो। अरे लेकिन क्या 5 साल पहले तूने कितना खर्च किया था तुझे याद है? तुझे पता था ना कितनी गरीबी है तेरे बाप के घर में। कैसे रहकर आई है तू वहां से छोटी छोटी चीज के लिए तरसती थी है? इतना फुजूल खर्ची उस टाइम पे स्कूटर के लिए फुजूल खर्ची की मेरे बेटे की। अरे साइकिल चलाने में तो टांग टूट रही थी तेरी। हाँ स्कूटर खरीदवा लिया और बताओ क्या क्या फुजूल खर्चे किए तूने मेरे बेटे के पैसे की खा मखा की। अरे उस टाइम जरूरत थी वो टाइम अलग था ये टाइम अलग है। ये देखो जमाना और था। मतलब तुम करो तो जमाना वक्त सब अलग और अगर तुम्हारी बहू करती है तो वो गलत करती है ना है? आप तो समझ ही नहीं रही हैं। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। हेलो समझाने की बात होती तो समझाती कभी तूने मुझे समझाया कुछ? आप सबके बीच में कोसना बंद कीजिए ना। अच्छा नहीं लगा ना आपको आपकी सासु माँ का इस तरह सबके सामने आपको कोसना? जो आप यहाँ अभी खड़े होकर महसूस कर रही हैं, ठीक वैसी ही कैफियत आपकी बहू हर रोज महसूस करती है। कैफियत? कैफियत संतोष जी, कैफियत। कैफियत का मतलब वही होता है जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे, किताब में भी मिल जाएगा। जो कंप्लेन आपको अपनी सास से है वही सारी कंप्लेन आपकी बहू को आपसे है। अगर आप कहती हैं कि आपकी बहू ने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की तो क्या आपने कभी अपनी सास को समझने की कोशिश की? कई सालों पहले जिन तकलीफों से आप गुजरी थी उन्हीं तकलीफों से आपकी बहू आज गुजर रही है। बहन जी आज समझ में आ रहा है हर पीढ़ी का अपना एक तजुर्बा होता है मगर वक्त बदलता है लोग बदलते हैं हालात बदलते हैं दुनिया बदलती है तो फिर क्यों बड़े अपने जमाने के तजुर्बे को इस जमाने की पीढ़ी पर थोपना चाहते हैं? वो था वो हो गया अब ये है जिसका हमें भी कोई तजुर्बा नहीं है फिर किस बुनियाद पर हम उन्हें समझाना चाहते हैं? तो बेहतर ये नहीं होगा कि उनको उनकी लाइफ के साथ जीने दिया जाए उनको हक दिया जाए कि वो अपने लाइफ के फैसले खुद ले सके। नहीं मतलब उनको भी गलतियां करने दीजिए अगर गिरेंगी तो अपने आप को संभाल लेंगी अगर डूबेंगी तो तैरना सीख जाएंगी और अगर भूख लगेगी तो रोटी का कीमत भी समझ ही जाएंगी वो तो उनको जीने दीजिए। तो वक्त आ गया है इस बात को समझने का कि नई जनरेशन को सिखाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनसे सीखना। सास और बहू का रिश्ता एक गिव एंड टेक की तरह होना चाहिए एक दूसरे को ओवर पावर करने का नहीं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए इस जिंदगी की मुश्किलों को एक साथ मिलकर दोस्त की तरह निपटाइए। आपको पर्पल कलर पसंद था ना? पसंद था क्या अब भी है? हाँ तो ठीक है ना तय हो गया गाड़ी तो पर्पल रंग की आएगी। कौन सी गाड़ी? अरे वही जो तूने लेनी है। मैं
मैं भी कोशिश करूंगी कि गाड़ी 20 लाख की नहीं 10 लाख में आ जाए। अरे वाह, इतनी जल्दी सीख गई। हसीना जी ठीक है, किस्मत का बात है, कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। ये बाजी जीत गए हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़ा वाला कंपटीशन अभी बाकी है, बेस्ट थाना प्रतियोगिता, और वो कंपटीशन तो हम मेल थाना वाला ही जीतेंगे। कोशिश कोशिश करते रहिए पांडे जी, कोशिश ही सक्सेस की चाबी है, कभी ना कभी तो लग जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, यहाँ भी नहीं मिला संतु जी। कहाँ गए होंगे थाने के सारे ब्लैंक पेपर्स? पता नहीं संतु जी कहाँ चला गया सारा पेपर, पता करना पड़ेगा कौन है पेपर चोर। संतु जी देखिए ना, आंख भी नहीं खुल रहा हमारा, संतु जी देख रही है ना, ये है पेपर चोर, इसको तो हम अभी बताते हैं। नहीं 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 नहीं, रहने दे, हो सकता है शायद अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हो। संतु जी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखने के लिए ना एक अदद गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। एक बार इसका शक्ल देखिए, इसका डरावना शक्ल देखिए, ऐसा मनहूस भयंकर भयानक विक्रांत बैताल शक्ल को देखने के बाद से कौन लड़की इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी, कौन बनेगी इसकी गर्लफ्रेंड। अरे यार, ये डिस्टर्बेंस की दुकान ना, जब देखो डिस्टर्ब करते रहते मुझे। अरे वो नादान परिंदे, और तुम ना प की जगह द लगा लेना। नादान दरिंदे। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो। आपका? अरे एक सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर का, कल के एक महान लेखक का। किधर है? इधर, हमको तो नहीं दिख रहा। किधर? इधर इधर है, इधर। तुम्हें पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? सुसाइड नोट। कहानी लिख रहा हूँ, कहानी, वो कहानी जिसके ऊपर बनेगी एक महान फिल्म, और फिर ये बिल्लू चंपत होगा सबसे बढ़िया सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर, एक महंगा स्क्रिप्ट राइटर जो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए लेगा सिर्फ एक चाय समोसा, अदरक के छिलके। करोड़। ओ, 1 करोड़ चाय समोसा। संतोष जी आप इसके साथ मत रहा करो। बात सुनो, चाय समोसा जैसे छोटा औकात वाला लोग को ना बड़ा बात नहीं करना चाहिए, बात मानो। छोटी सोच के छोटे इंसान, ये देख मेरी मोटी मोटी स्क्रिप्ट तैयार है, और ये स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक छलांग है। छी, इतना छोटा छलांग। अबे चीती, ये डेमो है। असल में देखो क्या होता है, एक छोटे थाने के बिल्ली निवास से लेकर बंबई के सबसे बड़े थाने के बिल्ली निवास तक। अच्छा ये बताओ कहानी क्या है? यस, तो मेरी कहानी एकदम न्यू है, फ्रेश है, अलग है। ये कहानी है दो पुलिस वालियों की, एक एकदम खड़ूस कड़क, जो हर वक्त पे लातों से मुक्के से ही काम चलाती है, और दूसरी एकदम समझदार जज्बाती है। बाप रे बाप, बिल्कुल नया कहानी लिख दिए हो यार, तो बहुत ज्यादा नया है ना? आगे सुनो। तो नरम पुलिस वाली जो है वो गरम पुलिस वाली को जज्बात की वैल्यू समझाती है, कैसे प्यार से मोहब्बत से कैसे ड्यूटी किया जाता है ये समझाती है। यही है मेरी महान स्क्रिप्ट की महान कहानी, और इसमें एक हीरो है एक नादान है। हीरो कौन? ऑब्वियस जज्बात वाली पुलिस वाली। और नादान कौन? ऑब्वियस खड़ूस टोपा होकर पुलिस वाली, और कौन?
कौन ऐसा कहता है? कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है, मतलब एक्चुअली जो नादान पुलिस वाली है वो हीरो पुलिस वाली है और जो हीरो पुलिस वाली है वो नादान पुलिस वाली है, वो क्लाइमेक्स में पता चलता है। क्लाइमेक्स में पता चलता है? इंटरवल के बाद, पॉपकॉर्न खाने के बाद ही पता चलता है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये घटिया वाहियात जो स्क्रिप्ट तुम लिखे हो, कौन बेअकल होगा जो इस स्क्रिप्ट में मूवी बनाना चाहेगा? मैडम मैडम, मेरी कहानी बकवास नहीं है, मेरी कहानी के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्या और क्या बोलेंगे कि प्लीज ये फिल्म मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। मैडम मैडम, एक मुंबई का डायरेक्टर है, वो अपने लखनऊ शहर में आया हुआ है, मतलब उसकी आखिरी कुछ फिल्में ना इतनी पीटी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है, वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा है। तो आजकल स्मॉल टाउन की फिल्में बहुत चलती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैडम वेट एंड वॉच। का नाम क्या है तुम्हारे डायरेक्टर का? Excuse me? अरे रुक रुक, क्या हुआ? अरे क्या? देखो बिल्लू भाई, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पे आए हैं। देखो बार वादा की हो ना, अगर तुम्हारी कहानी सिलेक्ट होती है तो हेयर कटिंग का पूरा ठेका हमें दोगे। अब बिल्लू भाई, हम चाय समोसे का ठेका लेंगे, ये बदलाव स्पेशल। ठीक है। हाँ जी कहिए। How do you do sir? आप कौन? हम इकबाल। हाँ तो कहिए। कहानी सुनाना है, कहानी सुनाना है। अच्छा तो आप राइटर हैं? नहीं नहीं, राइटर ये है, हम तो बाल काटते हैं, एक नंबर बाल काटते हैं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप कहानी सुनाएंगे। देखो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, यही सब कुछ बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो, जाओ तुम ही सुनो, सुनो सुनो। कौन है भाई? और की चल रहा है यहाँ? लाश सर, कैलाश की। सर मेरा नाम कैलाश है। तो मैं भी तो वही कहा, लाश जाने दीजिए। है कौन है? ये कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। ये है शंभू स्पीलबर्ग, द ग्रेट सुपर हिट डायरेक्टर। ओ आप हो शंभू? ये ये महान। तो तुम कौन हो? मैं इनका असिस्टेंट कैलाश कुमार। तभी मैं सोचू ये चपड़गंज डायरेक्टर नहीं हो सकता। लाश कौन है नमूने? वो बाल काटने आया है, आप क्या समझना बेचने आए हैं, और ये राइटर है, कहानी सुनाने आए हैं। सर सुनिए सर, एक बार आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे फिल्म बनाने से। रोक तो मैनू कोई नहीं सकता तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाने से, समझा? आया बड़ा राइटर, और चार नावल ते पांच हॉलीवुड फिल्में देख के ना कोई राइटर नहीं बन जाता। ओ स्कॉटी ने बुला और बाहर खड़ी ने। लग जाएगी लाश समझा इसने। पीछे कर ले भाई, नीचे करो। नहीं नहीं सर, ये तो हम बाल काटने के लिए निकाले हैं। देखिए हमें हुनर दिखाने का मौका दीजिए ना। देखिए हम आपके बाल काटेंगे, ये कहानी सुनाएगा, और बाल और कहानी में कुछ भी गलत आपको कुछ भी बुरा लगेगा तो इसी का चीज को गंजा कर दीजिएगा। इसकी कसम अगर हम झूठ बोले तो मर जाए, तुरंत मर जाए। ठहर जाओ ठहर जाओ, आ जाओ कहानी सुन। कुर्ता पहना मैं राइटर सर। तो ये कहानी है दो महिला पुलिस वालियों की, दो अलग अलग थॉट की, दो अलग अलग विचारों की। एक है जज्बातों की सलाद, नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज, और दूसरी है एकदम कड़क खड़ूस फौलाद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग। मैडम सर, जज्बात वाली पुलिस वाली है वो जज्बातों से काम लेती है, और जो कड़क करिश्मा सिंह है वो पुलिस वाली है एकदम लातों और मुक्के से काम लेती है। दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, लेकिन मंजिल एक, मकसद एक, कानून की सुरक्षा करना। सर ये फिल्म बनाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। ओए हिम्मत दी की गल कर रहा है? और शंभू पीलबर्ग से ज्यादा हिम्मत वाला, जिगर वाला, हैक लेजे वाला बंदा पैदा नहीं हुए, समझा? और मैं ना किसी से बाप तो नहीं डरता। एक मिनट,
हेलो बेबी, हेलो जानू। ओ मेरी बेबी दीना बहुत लंबी उम्र है। इतने मैंने फोन उठाया सी तैनू करण वास्ते, उत्थे तूने घंटी मार दी। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं सच्ची बोल रहा हूँ बेबी। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? ओ मैनू याद है बेबी, मैनू याद है। हर आधे घंटे बीच मैनू रिपोर्ट देनी है, मैं कित्थे हूँ, किसके साथ हूँ, ते क्या कर रहा सी। होगी तसल्ली बेबी? एक गलती वास्ते तुसी अपने पिल्लू नाल ट्रस्ट करना ही छोड़ दिता। इट हर्ट्स मी, दुखता है। शट अप। आधे घंटे में वापस कॉल नहीं आया तो जिंदगी भर बोलोगे दुखता है। रखो फोन। ओके। और क्यों आया हुए? और देखो ऐसा है ना, दुनिया का कोई भी पति ना अपनी पत्नी नाल डरदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे उनानु प्यार करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बोला। तो मैं भी अपनी बीवी नाल प्यार करता हूँ, तो कौन सा स्यापा पा गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ की नासी तेरा? नासी नासी आपका नाम पूछ रहे? नाम नाम नाम, हाँ नाम श्री बिल्लू चंपत। नाम भी चोर चक्को वाला लिए फिर रहा बंदा। इसको कैसे पता चला? चल भाई कंटिन्यू कर कहानी। कंटिन्यू सर। सर हम देखते हैं वाइड फ्रेम में महिला पुलिस थाना, और वहीं पे ट्रॉली से कैमरा ऐसा इन होता है। कैमरा कितो रखना है वो मैं बतावांगा, तू अपनी टोरी बता। हाँ, तो ये जो महिला पुलिस थाना है, ये कड़क पुलिस वाली है करिश्मा सिंह ये चलाती है। तभी तभी उसी दिन SHO हसीना मलिक वहां आती है, अपॉइंट होती है। संतोष शर्मा, नए केस का रिपोर्ट रेडी है? रेडी है मैडम। ग्रेट, दीजिए। वेरी गुड संतोष शर्मा। हसीना ने करिश्मा से कहा तजुर्बा कहता है हमारा, ये क्या है? नहीं ब, 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 रिपोर्ट है मैडम सर, वो आपने पेज उल्टा पकड़ा है, वो सीधा कर दीजिए। ये क्या है? ये बिल्लू की कहानी थी। थी मतलब वो तो किसी डायरेक्टर को सुनाने गया था ना अपनी कहानी। डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, वो बिल्लू की लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया डायरेक्टर ने। तो बिल्लू बेचारे का दिल टूट गया, तो उसने जिन जिन पेपर्स पे कहानी लिखी थी ना, वो सारे पेपर्स उसने रिटर्न कर दिए। तो मैंने रीयूज किया और उसी पर रिपोर्ट प्रिंट करवा के आपके सामने है रिपोर्ट। संतोष शर्मा, हमें इस रिपोर्ट पर साइन करके इसे हेडक्वार्टर भेजना है। हाँ मैडम सर, भेजिए ना। फ्रेश पेपर पर नई रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर आइए। ओके, अभी। जय मानस। जब से बेचारे बिल्लू की कहानी धुतकार दी गई है, खुद दर्द भरी कहानी बनके झूले पे झूल रहा है। अरे का पुष्पा जी, ऐसे टोपा इंसान को ना एक तो एक्स्ट्रा कंटाप मारने चाहिए। तो जिंदगी की छोटी छोटी जो ये असफलता होती है ना, इसमें टेस हुए भाने लगते हैं, लगाएं क्या इसको कंटाप? ये क्या कह रही हैं आप? माना कि शरीर से लगता है अभी भी भालू, मगर दिल का अभी भी बच्चा है। आत्मविश्वास दिलाना होता है बच्चों को ऐसे समय, खुद पर भरोसा करना सिखाना होता है। और देखिए। नहीं नहीं, हम जाकर समझाते भालू जी को, बिल्लू जी को। जा जाओ समझाओ। बिल्लू, बिल्लू जी, बिल्लू बेटा। अरे अरे देखो, हमारी बात तो सुनो, ऐसे नहीं करते। पकड़ 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 बैठाओ बैठाओ। क्या नाटक? बैठो बैठो बैठो। क्या नाटक? बैठो बैठो इधर। नहीं कुछ नहीं। मैडम करिश्मा मैडम, देखिए इसको, वो गुस्सा करेंगे। देखो बेटा बिल्लू, ऐसे रोते नहीं, जिंदगी में छोटी छोटी असफलता तो होती रहती है। देखिए बिल्लू जी, हम मानते हैं कि बहुत ही बाहियात है आपकी स्क्रिप्ट, लिखना विखना आपकी बस की बात नहीं है। सुनिए सुनिए, देखिए बिल्लू जी, वो डायरेक्टर क्या मैं होती तो मैं भी रिजेक्ट करती। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना संतू कि कोई ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाए। हाँ, हम क्या कहते हैं बिल्लू कि तुम अपनी ये कहानी किसी दूसरे निर्देशक के पास लेके जाओ ना, उसे सुनाओ अपनी कहानी, अपना संघर्ष जारी रखो। देखना, हम कह रहे हैं, मां मानते हो ना तुम हमें?
मामा। हाँ तो हम कह रहे तुम्हें, तुम्हारी लिखी कहानी का एक भी पन्ना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बिगड़ गया। अरे बिलू जी, आपके स्क्रिप्ट का एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पता है आपको, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या यूज हो सकता है। बदनाम जो है वो समोसे लपेट सकता है, इकबाल जो है वो एरोप्लेन बना के उड़ा सकता है। एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या करूँ, इतनी मेहनत से मैंने अपनी कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, एक एक शब्द पे 6 महीने तक मैंने काम किया, उस शब्द को स्पीलबर्ग ने 6 सेकंड में मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्लू चंपत। हाँ मैडम सर। हमने पढ़ी तुम्हारी स्क्रिप्ट। थैंक यू मैडम सर। कुछ कुछ सीक्वेंसेस तुमने वाकई बहुत अच्छे लिखे हैं। मैडम सर तो आप ही डायरेक्ट करो ना, ये थाना करिश्मा मैडम संभालेगी, आप डायरेक्ट करो। मैडम सर किसका बात सुन रही हैं आप, फालतू का बकैती कर रहे हैं। चुप। बिल्लू हम सीरियसली कह रहे हैं, कुछ कुछ सीन्स वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक है, सच्चाई है उनमें बहुत। देखो माना कि तुम्हारे इस क्या नाम है, शंभू स्पीलबर्ग, इसको तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, लेकिन और भी तो डायरेक्टर्स हैं। हाँ हो सकता है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा तो ना ही बोल दे, बट फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हिम्मत मत हारिए। बिल्लू द पॉइंट इज कि भले ही एक डायरेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स हैं, तुम कोशिश करते रहो, कहीं कोई ना कोई तुम्हारी बात जरूर मान जाएगा। मैडम सर थैंक यू, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। क्या? हाँ मैडम, ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में इसकी लॉन्च पार्टी का मेंशन है, और ये जो डायरेक्टर है शंभू स्पीलबर्ग, क्या पार्टी थ्रो कर रही है लॉन्च की खुशी में, पता है आपको? और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो फिल्म है ये 2 फीमेल कॉप्स की रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक फीमेल कॉप जो बहुत ही हाई टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब? अरे मैडम गुस्सा तो पता है ना आपको। और दूसरी फीमेल कॉप जो इमोशंस के साथ अपने केसेस को हैंडल करती है। बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, इतना महंगा, इतना अमीर बनूंगा कि देखना आज मेरा बिल्लू निवास थाने में है, कल थाना बिल्लू निवास में होगा, इतनी बड़ी जगह लूंगा मैं। ये आज तक की उधारी के सारे पैसे, चुपना, मुंह इधर कर, ये ले। नहीं तो ये बोलेगा ना कि इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बना है और मेरे चाय के पैसे मार दिए। अबे सुनेगा? तू बोल। देख मेरा पहला इंटरव्यू मैं तुझे ही दूंगा और बोलूंगा कि देखो मैंने स्क्रिप्ट ना बहुत ही बेकार हालत में लिखी है, मेरे बिल्ली निवास में लिखी है। तो अबे ओ बिल्लू, क्या हुआ? अबे इसमें कहीं तेरा नाम ही नहीं लिखा राइटर में। क्या? हाँ देख ले, क्या राइटर और डायरेक्टर में शंभू स्पीलबर्ग का नाम लिखा है। ऐसा ही है, डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है कि स्क्रिप्ट उसकी है, उसी ने लिखी है और उसी ने सोची है। फालतू में नन्ना भालू जैसा कूद रहा था बिना मतलब का। अरे अब तक हमको बेवकूफ बना रहा था, अच्छा जो उधारी मिल गई। किधर ला? इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन क्या इस शंभू स्पीलबर्ग ने तुम्हारी कहानी चुरा ली? अब राइटर्स में तो हर जगह इसी का नाम है मैडम। लगता है बहुत जोर का सदमा लगा है बेचारे को।
मिल गया दवाई, इसको भी ठीक रहेगा ना रे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी कहानी का कॉपीराइट है? शंभु स्पीलवर ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब नहीं है? मतलब इसका कोई मतलब नहीं? नहीं 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 बिल्लू जी, कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी, किरदार, गाना या आर्टिकल, जितनी भी आपकी अपनी रचना होती है, उस पर कानूनन अधिकार करवाना। उसके बाद आपके अलावा आपके परमिशन के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हम बैंक के लॉकर में कैसे हमारा सामान सेफ रखते हैं, है ना, ठीक वैसे ही रजिस्टर करवाने के बाद, कॉपीराइट हासिल करने के बाद आपकी जो क्रिएटिव चीज़ है ना, वो कानूनन महफूज हो जाती है। फिर इन जैसे चोरों से हम कानूनन निपट सकते हैं, कंप्लेन फाइल हो सकती है, सज़ा दिलवाई जा सकती है, हर्जाना वसूल किया जा सकता है। मैंने तो कॉपीराइट करवाए नहीं, यार जाना क्या, मर जाना ही बाकी है। तो ये चोर शंभू स्पीलबर्ग नाम भी चोरी का लेके घूम रहा है, इसको ना इसकी करतूत की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कंटाप मारेंगे ना इसको कि अपना करतूत भी कबूल करेगा और अपना हर स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा इसकी तो। मैडम सर, आप इन्हें करिश्मा सिंह कानून जानती हैं? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अच्छे से जानती हैं कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया है कानूनन वो कोई गुनाह नहीं है, और फिर भी अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा वो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। आई एम श्योर करिश्मा सिंह ये बात अच्छे से जानती है। आप ही बताइए मैडम सर कि क्या करना चाहिए हमको, का इलाज है इस डायरेक्टर का? ऐसा इलाज कि कोई भी किसी का हक मारने से पहले ना 100 बार सोचे। इसका जवाब भी हम देंगे करिश्मा सिंह, एक बार जरा लॉयर से बात हो जाए। पहचान वाला है, मैं पुराना खानदानी चोर हूँ, था चोर था, मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं, ए राइटर, बुलबुल पांडे इंस्पेक्टर, शंभू पीलबर्ग बोल रहा है, आ गया जी तुहाडी एंट्री का टाइम, बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके। सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर, मुझे अपने थाने में रखो, मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, आपकी कसम, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर, नो सर। यस सर, यस सर। अरे चुप करा, बड़ा आया थाने वाला, अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं 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 नहीं, नीच से नीचे देखिए सर, चाय रखा है गिर जाएगा। सर बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए, मुझे निकलने के लिए, मुझे निकल। मैडम सर आइए आइए, हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है, हंटर वाली 77 ऐसा ही करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही, आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अरे कहे ना ही जान सकते, जरूर जान सकते है काका। ये देखिए FIR, खुद ही देख लीजिए, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि FIR में झूठ थोड़ा ना लिखते, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वैलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना, मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर, मैडम सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना? क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, निकल प्लीज। बिल्लू क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की, हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? देखिए
शंभू स्पीलबर्ग ने बिल्लू चंपत की कहानी चुराई है। ये बात तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम। घर से कोनो सामान चुरा सकता है, रोड से गाड़ी चुरा सकता है, कहानी कोई कैसे चुरा सकता है बताइए। अरे कैसे का क्या मतलब है, ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है, लोग एक दूसरे की कहानी क्रेडिट चुरा लेते हैं। वो कैसे? जैसे तू मेरा क्रेडिट चुराता है ऐसा सर आप हमको कहते हैं ना कई बार। हम समझाते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टर हैं, आप एक राइटर हैं, आप अपनी कहानी हमें सुनाने आए, हमने कहानी सुनकर कहानी रिजेक्ट कर दी और आपको वहां से भगा दिया, लेकिन आगे जाकर उसी कहानी पर हमने एक बहुत बड़ी सी फिल्म बनाई, फिल्म ने लाखों करोड़ों का कारोबार किया और वो सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन राइटर को तो कुछ नहीं मिला ना, उसके साथ तो धोखा हुआ। कहानी सुनाने का पैसा कौन देता है? अरे ऐसे तो हमारी दादी सारे मोहल्ले को कहानी सुनाती थी, उनको तो कभी किसी ने पैसा नहीं दिया आज तक। बुलबुल पांडे, आपकी दादी की कहानियों पर फिल्में नहीं बनती, वो लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं करती। जिस स्क्रिप्ट पर शंभू स्पीलबर्ग फिल्म बना रहा है वो कहानी बिल्लू चंपत की है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिल्लू की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसके मेन किरदार हैं हम और करिश्मा सिंह। अच्छा तो ये मुद्दा है, मतलब खाना प्रतियोगिता जीतने का ये प्रपंच प्लान बनाए हैं आपने? क्या ना, मतलब खुद पर फिल्म बनाकर अपना थाना का उत्कृष्ट छवि बनाकर ये कंपटीशन जीतने का प्लान बनाया जा रहा है? लानत है तेरी सोच पे। हम पे सर, हम पे लानत है, हम अगर ऐसा सोचे होते तो आप हमको यही बोलते ना। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको कुछ भी समझाना वक्त की बर्बादी, लेकिन हम जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच, मोहब्बत और सैलाब किसी के रोकने से नहीं रुकते, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और सच ये है कि ये कहानी बिल्लू चंपत की है और शंभू स्पीलबर्ग ने इसे चुराया है। ये सच भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वरना हम तो हैं ही, हम इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैडम सर, आप ये सब मेरे लिए एक चोर के लिए कर रहे हैं? नहीं बिल्लू, हम अपने प्यारे बिल्लू चंपत के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमारे महिला पुलिस थाने का अब एक हिस्सा बन चुका है और हम उसका परिवार बन चुके हैं, और फिलहाल इसे अपने परिवार की जरूरत है। बिल्लू, तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम चोर थे और ये स्पीलबर्ग अब चोर है। कितना खाली खाली लग रहा है ना थाना बिल्लू के बिना। हमसे तो लॉकअप देखा नहीं जा रहा है, वो रहता था तो रौनक रहती थी थाने में, सबका मन लगाए रखता था। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है बिल्लू की। जब वो होता था तब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, अब जब नहीं है तब उसके बिना एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा। उफ, ये मासूमियत। मतलब अलग लेवल का चिंता कर रही है संतु जी। कौन सा अलग लेवल का चिंता? मैडम हमारे कहने का मतलब है कि बिलोटे को कैसे भी करके ना बुलबुल पांडे के फंदा से बचाना पड़ेगा। बस फंदा कैसे? पप्पू तू जेल में बंद है। चीटी। उफ। अफसोस कि हम कानूनन कुछ भी नहीं कर सकते। किसी तरह अगर उस शंभू स्पीलबर्ग का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तब तो कुछ बात बने। मगर कैसे मैडम सर, वो शंभू स्पीलबर्ग कैसे मानेगा कि उसने स्क्रिप्ट चोरी की है? अगर हम छुपके से उसके ऑफिस में जाए और चुरा ली वो स्क्रिप्ट वापस तो? संतु जी, आपका मासूमियत जो है ना प्रकाष्ठा लेवल पार कर रहा है, लेकिन मासूमियत ना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका कभी कभी प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। मतलब क्या? मतलब ये कि स्क्रिप्ट किसी का भी हो, उसका मालिकाना अधिकार उसी का ही रहेगा जिसके नाम पर ये स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगा। समझ रही हो अब? हाँ हाँ, ये मैं भूल ही गई थी, सॉरी। ऐसा कुछ हो कि कोई शंभू स्पीलबर्ग के करीब जा सके, शंभू को उस पर भरोसा हो जाए और फिर उस भरोसे में आकर वो उस आदमी से कन्फेस कर दे कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है तो? मगर कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। शंभू स्पीलबर्ग की लेटेस्ट न्यूज है, वो अपने नई फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल टाउन की फ्रेश फेस चाहिए। इनफैक्ट कल से ऑडिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आगे
बोलो आगे क्या। तो अगर अगर हमारे यहाँ से कोई दो लोग ऑडिशन के लिए जाए वहाँ पे और सिलेक्ट हो जाए हीरोइन के लिए तो कन्फेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी संतू जी, संतू जी, संतू जी, आज सुबह नाश्ता में क्या खाकर आई थी आप? क्यों ऐसे, प्लीज बताइए ना प्लीज। जानते थे कि अब सिंघाड़ा खा कर आएंगे तभी आपके दिमाग में ना इतना बेहतरीन आइडिया फूटा है। संतू जी हमारा बात मानिए, पूरा दिन में ना 1.5-2 दर्जन सिंघाड़ा खाया कीजिए आप। संतू क्या आइडिया दिया है तुमने, ये बहुत बढ़िया है मैडम सर, बहुत बढ़िया। एक तो हम हो गए और दूसरा देखो कौन आ सकता है। पुष्पा जी आपको नहीं लगता है कि ये हीरोइन के रोल के लिए आप थोड़ा छोटी हैं अभी? हाँ छोटी। अच्छा ठीक है फिर लगेंगे शायद, क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। वैसे आप दोनों क्यों नहीं कोशिश करती? हाँ मैडम सर। कहाँ हाँ संतू, हम तुमको कहाँ से एक्टर दिखते हैं, हमसे नहीं होता ये एक्टिंग वैक्टिंग, और जितनी बार हमने एक्टिंग करना चाहा ना हमने चूरन कर दिया पूरे 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 मिशन का, हमसे नहीं होगा ये, और ये प्रोफेशनल लोगों का काम होता है ना, तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर देख लीजिए ना, वो करेंगे हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इस तरह का नाटक हम नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं होगा। अरे मैडम सर कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, और वैसे आप दोनों को क्या करना है, आप जैसी है वैसे ही तो निभाना है। जज्बाती हसीना खड़ूस करिश्मा, मतलब बिल्लू ने आप दोनों को सामने रखकर ही तो ये कहानी लिखी है ना, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई नहीं समझो हो गई तो हम रहेंगे ना वहां आपकी छोटी बहन के किरदार में, सब संभाल लेंगे, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ कह दीजिए हाँ। अच्छा लेकिन हमारे चेहरों का क्या, हमें खास तौर पर करिश्मा सिंह को तो पूरा शहर जानता है। इसका इलाज भी है मेरे पास, आप दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा, इनफैक्ट आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। हाँ जज्बात से काम लीजिए करिश्मा सिंह। जज्बात जज्बा जज्बात से काम जज्बात से वो और क्या था, हमारा तजुर्बा ऐसा कहता है।
करिश्मा सिंह, रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, सब ठीक होगा। हेलो जी। हेलो, हेलो सर, हेलो सर। ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट। तो देखो जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव, जज्बाती, एक्शन पैक्ड फिल्म। उसका नाम होगा हेजल मीट्स कैरी। बाबा सर, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू जी, थैंक यू। और जैसा नाम बता रहा है, मैनू लगनी है दो हीरो, ठीक है जी। स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से आहो, स्टोरी के हिसाब से कैरी जो है ना, वो एक बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक थानेदारनी है, जिसने पूरी पिक्चर विच लात घुसे चलाने। ते हेजल जो है जी, वो बहुत ही जज्बाती इमोशनल थानेदारनी, उसने सारी फिल्म विच जज्बात चला दी। तो ऑडिशन भी दो कैटेगरी विच होने, हेजल ते कैरी वास्ते। हेजल वाली एथे आएगी राइट साइड में, ते कैरी वास्ते एथे लेफ्ट साइड में। आप एथे आओ राइट साइड में, आइए आइए। आप एथे लेफ्ट साइड में, आइए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। एथे लेफ्ट साइड में। तुसी एथे आओ लेफ्ट साइड में। सर वो तो कर कैरी की साइड है। तो हमें लगता है कि हम हेजल के पार्ट के लिए बेहतर है, हमें यहीं आना चाहिए। खबरदार हो, एक कदम जो आगे बढ़ाया। कैलाश। कैलाश सर। और जो भी है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सर आप हैं। राइटर कौन है? आप। तो ये बता, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कुड़ी कौन सा रोल करेगी? सर आप करेंगे। तो बता है नू, कौन खड़ा है इतने सामने? और बड़े बड़े डायरेक्टर दी पुंगी बजा दिया मैंने। तो पुंगी से याद आया, तेरी भाभी नू फोन करना है, तो मैं यहीं आया। कितना बेशरम इंसान है ये, एक तुम्हारे बिल्लू का स्क्रिप्ट चुरा लिया, ऊपर से सीना ठोक के बोल रहा है कि इसका स्क्रिप्ट है ये। इसने अपना मूवी में नकली एक्शन तो बहुत कराया होगा, अगर हमारा पेशेंस जवाब दे गया ना, तो इसको बताएंगे हम असली एक्शन क्या होता है। करिश्मा सिंह प्लीज रिलैक्स, आप अपना मकसद मत भूलिए। हमारा मकसद है कि हमें लीगली इस बात को प्रूव करना है कि जिस स्क्रिप्ट पर ये स्पीलबर्ग काम कर रहा है, वो स्क्रिप्ट बिल्लू चंपक की है। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हमें इसका कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन के लिए हमें इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। सो प्लीज़ फोकस एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड कंट्रोल योरसेल्फ। जी मैडम, क्या सोच रही हैं, रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो शंभू सर जैसा कहते हो वैसा कीजिए, वरना तो रोल तो जाएगा आपके हाथ से। चुपचाप यहाँ जाके खड़े हो जाइए। जी जी हाँ, आइए। किसी हथे आओ राइट साइड में, इधर हेजल पर। ये हेजल का लाइन है ना, हम वो कैरी कि कैरी, हम कैरी हैं, मतलब हमको जज्बात समझ में नहीं आता है सर, हमको ये जज्बाती जो माइंडसेट है ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने एक्शन भी सीखा हुआ है, हमको लगता है कि हम उसके लिए ठीक होंगे। और इसी वास्ते मैं माल टाउन फिल्म बनाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं सर। और ये छोटे शहर के लोग ना, साड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं सर। हर बात में शक, हर बात में ईगो, और ये कभी आगे नहीं जा सकते हुए। और तू छोड़, कोई और देख। नहीं 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 सर 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 सर, हमको करनी है आपकी मूवी, आप अच्छे डायरेक्टर, आपके साथ काम करना है हमको। हम करेंगे, हम जज्बात से काम करेंगे, हमें आते हैं।